सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तु शास्त्र का तरीका क्या है, वास्तु शास्त्र काम कैसे करता है। यहाँ पर हम पैसे की बात करते हैं तो पैसे के लिए तीन डायरेक्शन जो है मेन मानी गई है। सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। अपने अपने वीडियोज ऑन कर लें। जय जय जिनेंद्र सर। जिनेंद्र देव। इससे पिछले वेबिनार में हमने बात करी थी कि हम पैसे को रोकें कैसे, किस प्रकार से पैसे को मैनेज करें। तो कुछ कॉल्स ऐसी आई कि मुझे बताओ तो सही, पैसे लायक रोके तो बाद में पहले इनकमिंग तो होनी चाहिए। तो आज हम ये समझेंगे कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम पैसे को कैसे लेकर आए। मेहनत तो सभी लोग करते हैं और मेहनत करते हैं तो, लेकिन हम वो उतना नहीं ला पाते जितना लाना चाहिए, मतलब उतनी अर्निंग नहीं हो पाती जितनी अर्निंग होनी चाहिए। तो वो अर्निंग सही जितनी होनी चाहिए उतनी कैसे लेके, उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तु शास्त्र का तरीका क्या है, वास्तु शास्त्र काम कैसे करता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वास्तु पे हम विश्वास करते हैं, कुछ कहते हैं विश्वास नहीं करते, कुछ कहते हैं थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो ये जो विश्वास वर्ड है, तो ये तो ऐसा हो गया कि यदि कोई चीज नहीं है उसको बनाया गया है तो हम कहेंगे विश्वास करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन वास्तु तो सही मायने में प्योर साइंस है। साइंस में विश्वास करना या ना करना दो वर्ड होते ही नहीं है ना। वो उसमें तो आप कुछ भी कर ले, साइंस तो साइंस ही है। जो हमारे नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो है ही। तो इट मीन्स क्या है, तो वास्तु कैसे काम कर। वास्तु शास्त्र जैसे हम कहीं पर भी चार दीवारी जैसे ही बनाते हैं वहां पर एनर्जी का फ्लो होने लग जाता है, एनर्जी वहां पर फ्लो करने लग जाती है। जब वो खुली है, हमने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, तो पूरे उसके अंदर ब्रह्मांड में एक एनर्जी दौड़ रही है। जैसे ही हमने अपना एक हिस्सा बनाया यानी कि चार दीवारी बनाई, वहां पर अलग से एक एनर्जी हमारी आ जाती है, एक एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। या हम जैसे कहें एक व्यक्ति जैसे ही गर्भ में आता है तो वो एक जीव के रूप में आ जाता है। इसी तरह ये समझ लिए कि हमने बाउंड्री बनाई तो हमने घर की एक नींव रख दी, उसके अंदर एनर्जी रख दी। अब यहां पर दो चीज, हमने मकान बनाया। अब मकान बनाने के बाद अब हम करते हैं उसकी चार डायरेक्शन निकालते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसको सभी जानते हैं। फिर उनके साथ में सब डायरेक्शन होती है, उसमें क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो हमारी एट डायरेक्शन हो गई। लेकिन जब हम इन बीच में भी जाएंगे तो ऐसे एट डायरेक्शन और निकल जाते, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की, ऐसे करके हमारी आठ डायरेक्शन होती है ना। तो टोटल मिला के होगी 16 डायरेक्शन। और एक हम मानते हैं स्काई को, ब्रह्मांड को, एक मानते हैं पाताल को, पृथ्वी को, ऐसे करके दो डायरेक्शन से ही आ जाए। अब इन सभी डायरेक्शनों की कैलकुलेशन कैसे हो, कैसे करें, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर हम आगे को समझेंगे। क्योंकि तो लोग कहते हैं कि मैं तो ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं, अब मैं कैसे निकालूं, मेरा रूम तो बिल्कुल अलग है, एक छोटा सा रूम है, अब मैं पूरे घर का वास्तु निकाल के क्या पूरे घर का इफेक्ट मेरे पर आएगा। या हम तीन चार भाई बहन हैं, अलग अलग रहते हैं, या बॉम्बे के अंदर जैसे लोग रहते हैं उनके कमरे अलग अलग होते हैं, या एक फ्लोर में रहते हैं, एक फ्लोर में दो फैमिलीज रहती हैं, तो कैसे करें। तो यहाँ पर ये देखना है कि आपका पोर्शन कौन सा है। वैसे तो कहते हैं रसोई के हिसाब से माना जाता है, यदि आपका एक बाउंड्री है उसी के अंदर आपकी रसोई है तो रसोई के साथ आपका जो भी रूम है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, पूरा पोर्शन वो हमारा काउंट होगा। तो यदि ऐसी पोर्शन हो कि रसोई तो एक है, लेकिन
परिवार के अंदर तीन भाई हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, तो उनके पोर्शन अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन हमारे पास है, चाहे वो एक कमरा है चाहे दो कमरा है, तो हम केवल उसकी कैलकुलेशन करते ही चलेंगे। दूसरे पार्ट का रोल होगा, लेकिन जब एक चीज समझनी है तो हम अपने पोर्शन की कैलकुलेशन करके चले। इसको हम आजकल कंपास मार्केट में मिलते हैं, किसी बुक सेलर की शॉप पे जाएंगे वहां पे मिल जाएंगे, नहीं तो मोबाइल सब में आजकल ऐप डाउनलोड कर लो तो मोबाइल से पता चल जाओ। उसमें क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू हम घर के सेंटर के अंदर अपना मोबाइल रखकर, जो जीरो है, जीरो का मतलब होता है नॉर्थ, जीरो को देख लो कहाँ पे है, तो इसका मतलब वहां पे निशान लगा ले कि ये मेरा नॉर्थ है। एक बार नॉर्थ निकल गया तो सारी डायरेक्शंस आपके हाथ में आ गई, है ना। तो इसी प्रकार से हमें सबसे पहले तो डायरेक्शंस निकालनी है, क्योंकि नेचर अपना काम कर रही है। अब हमें नेचर को समझना है और उसके हिसाब से पैसे को समझना। जहां पर हम पैसे की बात करते हैं, तो पैसे के लिए तीन डायरेक्शन जो है मेन मानी गई है। नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा, जो आप सबको पता है, एक कुबेर की जगह है, कि यहाँ पर पैसे को स्टोर करके रखें तो ये शुभ माना जाए। अब स्टोर कैसे करें, यहाँ पर भी एक चीज का फॉर्मूला, कि घर के अंदर जो भी नॉर्थ डायरेक्शन में कमरा बना हुआ है, पहली बात तो वो डायरेक्शन, दूसरा उस कमरे के अंदर जहां पर भी आप पैसा रखेंगे, किसी अलमारी में रखेंगे या आप कोई तिजोरी बना रखी है या कोई जगह ऐसी बना रखी है, तो वह जब खोलें तो उस अलमारी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, आपका फेस नॉर्थ में नहीं, बल्कि जिस अलमीरा के अंदर आपने पैसे रखे, वो जब अलमीरा खुले तो उसका फेस नॉर्थ में होना चाहिए। यानी कि आपका फेस कहाँ पे हो गया, आपका फेस हो गया साउथ की साइड। यदि ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर कुबेर का स्थान माना गया है। और नॉर्थ क्या है, हल्का होता है, वहां पे पानी होता है, हरियाली होती है, और जब पैसा, जब अलमीरा वो खुलेगी, जब पैसे को वहां की एनर्जी मिलेगी, तो वह पैसा फलीभूत होता है, बढ़ता है, कभी कम नहीं होगा। चाहे जितना मर्जी खर्चा आ जाए, वो पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा, यानी कि बैलेंस बनाकर रखे। दूसरी डायरेक्शन आती है हमारी साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट है हमारा एनर्जी का स्थान, जहां पर अग्नि का स्थान कहा गया, अग्नि, जहां पे अग्नि जलती है। और किसी भी कार्य करने के अंदर अग्नि अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जो भी हम छोटे मोटे खर्चे डेली रूटीन के अंदर करते हैं, जैसे मिल्क लेके आए, सुबह ब्रेड लेके आए, या छोटा छोटा है, जैसे आपके यहाँ मेड का कोई खर्चा है, आपका जो प्रेस वाली है उसके खर्चे हैं, जो छुटपुटिया जिसे हम खर्चे कहते हैं, वह खर्चे हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही करने चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ की निकालेंगे, एक तो तरीका मैंने बताया कि जौन सा भी आपका कमरा है वहीं पर आप वास्तु को बना लो, वहीं पर डायरेक्शन निकालो और उस डायरेक्शन के हिसाब से भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। यदि आपका पूरा फ्लैट है तो उस फ्लैट के हिसाब से देखो कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर बना हुआ है, और आपको लगता है भी ये तो जगह सेफ नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम पैसे नहीं रख सकते, तो क्या करें, वहां पर एक बॉक्स रखें, और जिस बॉक्स का कलर रेड होना चाहिए, चाहे उसका ढक्कन रेड हो, चाहे बॉटम रेड हो, या कोई भी एक पार्ट रेड हो, यदि कुछ भी ना मिले तो क्या करो, व्हाइट कलर का या जो भी कलर का डब्बा मिले वो रखो, और साथ में रेड कलर का पेपर उसके अंदर रख लो। और एक आइडिया हमारा होता ही है कि भी पूरे दिन के अंदर हमारे इतने पैसे खर्च होते हैं, तो उस पैसे के हिसाब से उस डब्बे के अंदर पैसे रख लो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि वह डब्बा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें 10 रुपए का नोट ही क्यों ना रखा रहे, वो उसके अंदर रखा रहना चाहिए हर वक्त। और सुबह सुबह अपने पैसे रख लिए,
और धीरे धीरे जो भी आपका खर्चा है आप खर्चा करते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि पहले जो खर्च होते थे, मान लो आपका 500 रुपीज पर डे खर्च होता था, ये खर्च धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, बचत होनी शुरू हो जाएगी। और आपने जब खर्चे, मैंने जैसे पिछली क्लास में वेबिनार में बताया कि भरे स्वर में आप करें, यदि आपने भरे स्वर का उपयोग कर लिया तो आप इस चमत्कार को भी देख लेंगे कि आपके खर्चे कितने कम हो गए, यानी कि बेफजूल का खर्चा आपके पास आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को अच्छी तरह एनर्जाइज करके रखना है। उसके बाद जो तीसरी डायरेक्शन आती है वो आती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन इसके अंदर बहुत मेन रोल अदा करती है, जिसको हम पश्चिम भी कहते हैं, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा वैसे तो शनि की दिशा है, लेकिन ये लक्ष्मी का स्थान भी है। लक्ष्मी का स्थान होने के कारण यहाँ पर क्या है, पैसा आने का साधन है। और यदि मैं दूसरे उसके अंदर कहूं कि उसकी जो साथ वाली डायरेक्शन है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये सरस्वती का स्थान भी है। और कहते हैं जहां पर सरस्वती होती है वहां पर लक्ष्मी अपने आप आ ही जाती है, क्योंकि विद्या है, ज्ञान है। जहां पर ज्ञान होगा वहां पर पैसा तो होगा ही होगा, और ये वो पैसा होगा जो टिकेगा। नॉर्मल पैसा है, पैसा तो बहुत आता है हर व्यक्ति को, जो ज्ञानी है उनके पास भी, जो ज्ञानी है उनके पास भी पैसा। लेकिन यदि अज्ञानी के पास पैसा है तो वह कुछ समय के लिए आता है, क्योंकि वह अज्ञानवश उसका सही तरीके से उपयोग कर ही नहीं पाता, उसको मेंटेन कर ही नहीं पाता। पैसा आएगा वो बेमतलब का, बेफजूल तरीके से उसको खर्च कर देगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति, उसकी को समझता भी है और समझने के बाद उसका कैसे यूज करना है उसके हिसाब से उसको मेंटेन करके भी रखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी बच्चे 8th स्टैंडर्ड के बाद के बच्चे हैं, उनको हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर ही पढ़ना चाहिए, जिससे उनकी कैप्चरिंग पावर अच्छी हो सके। कैप्चरिंग पावर अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई में आगे जाएंगे तो क्या सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहेगा। उसके साथ में जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की डायरेक्शन है। जब सरस्वती आ गई तो क्या होगा, हम लक्ष्मी को भी लाने का प्रयास करने लगेंगे, तो लक्ष्मी का स्थान भी वहां पर है। तो कई बार क्या होता है इन डायरेक्शनों में, अब हमने तीन डायरेक्शन की बात करी, नॉर्थ की, साउथ ईस्ट की और वेस्ट की। अभी इन तीन डायरेक्शन को अपने फेवर में कैसे लेके, है ना, क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है, मैंने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन हर जगह पोजिशन नहीं बन पाती। कई बार क्या है, ऐसी पोजिशन हम डब्बा नहीं रख पाते, मनी बॉक्स नहीं रख पाते, या वहां पर देखते हैं कहीं पर टॉयलेट है, कहीं पर कुछ है, तो वहां पर एनर्जी नहीं बन पा। तो उन एनर्जी को कैसे बनाए, क्योंकि वास्तु शास्त्र का मतलब है एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखना, ना कि कोई भी आपने कमरा बनाया, आपने कह दिया वेस्ट में तो मैंने कमरा बना दिया है, अरे साफ सुथरा कमरा, अब तो एनर्जी बन जाएगी। नहीं, एनर्जी को बनाना पड़ता है और उसको अपने फेवर में करना पड़ता है। आपने देखा होगा, आप किसी मकान के अंदर गए, जब आप मकान के अंदर गए तो आपको बड़ा अटपटा सा लगा, आप दूसरे मकान में गए तो आपको बड़ा अच्छा लगा। तो अब दूसरा व्यक्ति पहले मकान में गया, उसको वहां अच्छा लगा, लेकिन दूसरे मकान में लगा तो उसको अटपटा लगा, ऐसा क्यों? मकान तो एक ही है, एक व्यक्ति को अच्छा लग रहा है, एक व्यक्ति को अटपटा लग रहा है, ऐसा क्यों होता? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, हमारी स्वयं की एनर्जी है, वो एनर्जी उस मकान की एनर्जी के साथ मैपिंग हुई या नहीं। जहां पर एनर्जी एक दूसरे की मैपिंग हो गई तो आपको अच्छा लगेगा, जहां पर मैपिंग नहीं हुई तो वहीं पर आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें हर परिस्थिति के अंदर
वहां की एनर्जी को अपने फेवर में लेके आना है। अब फेवर में लेके आने का मतलब क्या है कि आप वहां पर सबसे पहले क्या है दिगवंदना करनी शुरू करें। दिगवंदना जो कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, एक बहुत अच्छा एक साधन है कि किसी भी स्थान पर जहां आप रह रहे हैं या कोई भी एक ऐसा स्थान जहां पर अपना समय ज्यादा बिताते हैं, जैसे बिजनेस प्लेस है, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या आप जहां पर रह रहे हैं, है ना, वह एक सभी स्थान पर आप दिग वंदना शुरू कर दो। धीरे धीरे वहां की एनर्जी आपके फेवर में आनी शुरू। चाहे वास्तु शास्त्र के नियमों का कितना ही उल्लंघन क्यों ना हो रहा, यदि वहां पर नेगेटिव एनर्जी है तो दिग वंदना के द्वारा आप उसको पॉजिटिव कर सकते। अब दिग वंदना क्या है? दिग वंदना है दिशाओं की वंदना। अब दिशाओं की वंदना करने पे तो हम पहले क्या करते हैं, चार दिशाओं को ले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि सबसे पहले हम ईस्ट से शुरू होते हैं। ईस्ट की तरफ फेस करके 3 बार अपने मूल मंत्र को पढ़ें। ईस्ट की तरफ हमने राइट तरफ टर्न किया तो आपका साउथ में पढ़ें 3 बार मूल मंत्र, उसके बाद वेस्ट में 3 बार मूल मंत्र पढ़ें, फिर नॉर्थ में मूल मंत्र पढ़ें, फिर दोबारा ईस्ट में आ गए तो अप की तरफ अपने रूफ की तरफ फेस करके 3 बार मंत्र पढ़ के यानी कि ब्रह्मांड को भी नमन करें, और फिर आप डाउन यानी कि जमीन को देखते हुए आप देख के उनको नमन करें। तो इस प्रकार से आपने छह दिशाओं को नमन कर लिया। अब नमन करने के बाद क्या हो गया, वहां की एनर्जी एनर्जाइज होनी शुरू हो गई यानी कि पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। और जब पॉजिटिव होती है तो आपने इस तरह 3 डायरेक्शन का मेन आपको ध्यान रखना। अब ये जो दिग्वंदना की जाती है सेंटर ऑफ द हाउस। अब सेंटर ऑफ द हाउस क्या है, जो बार बार मेरे पास बार बार आते हैं व्हाट्सएप्स आते हैं कि हम सेंटर कैसे निकालें, हमारा तो सेंटर नहीं निकल पा रहा। तो सेंटर का तरीका क्या होता है, जब आप घर के अंदर एंटर हो गए, अपने घर के मोटा मोटा जितने भी कमरे हैं आप समझ लो, ये मैं बीचों बीच खड़ा हो गया, एक ऐसा सर आपका स्थान वॉइस नहीं आ रहा। जहां से सभी कमरे इक्वल दूरी पर हों, कोई ऐसा घर के अंदर कोई ऐसा स्थान जहां से हर कमरे में, रसोई घर में, बेडरूम में, स्टडी रूम में, टॉयलेट बाथरूम, उस हिसाब से कहीं पर भी जाना आपके लिए इजी हो, उसी स्थान में खड़े होकर आप दिगवंदना शुरू करो। यदि ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लो आपका एक या दो रूम का ही है, तो वहां पर ये जो रूम के अंदर फैन लगा होता है, फैन कहाँ होता है, वो हमेशा सेंटर में ही लगा होता है, फैन के नीचे खड़े हुए, ये सेंटर ऑफ द रूम हो गया। अब वहां पर करके आप उसके दिगवंदना कर पा रहे। और नहीं तो तीसरा आता है कि अपने रसोई घर के अंदर दिगवंदना करो, रसोई का सेंटर निकालो और रसोई के अंदर आप दिगवंदना करनी शुरू करो। रसोई क्या है, रसोई जितनी स्वच्छ और पवित्र होती है कोई भी दूसरा स्थान नहीं होता, सारी एनर्जी वहीं से आती है, और रसोई से ही हमारा स्वास्थ्य भी है, हमारा व्यवहार भी रसोई से ही चलता है, क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं वैसी ही हमारी सोच हो जाती है, जैसी हमारी सोच होती है वैसा हम कार्य करते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं हमारी अर्निंग यानी कि पैसा कमाने का तरीका भी वैसा ही हो जाता। रसोई को इसलिए सबसे ज्यादा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि किसी तरह का कोई भी मन मुटाव है तो कुछ देर के लिए रसोई बंद ही रखनी चाहिए, कभी भी मन मुटाव के समय में रसोई यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान जो है जब भी आपको फेवर में आएगा जब आपकी रसोई अच्छी होगी, चाहे रसोई किसी भी जगह पर, वैसे तो रसोई का स्थान साउथ ईस्ट में आता है, और हम जो छोटे मोटे जो खर्चे करते हैं उनका बॉक्स भी साउथ ईस्ट में ही बनाते हैं, ये भी चीज है यहाँ के, साउथ ईस्ट से ही आप जो है छोटे छोटे जो खर्चे हैं उनको साउथ ईस्ट से करें, रसोई भी साउथ ईस्ट में बनाए, जो अग्नि का स्थान है वो भी साउथ ईस्ट में ही दें। तो इस प्रकार से हमें साउथ को एनर्जाइज करके रखना है। अब जो वेस्ट की डायरेक्शन है जहां पे लक्ष्मी का खुद का स्थान है उसको कैसे करें,
अब आप देखो कि आपके यहाँ क्या बड़ा कोई प्लॉट है? यदि बड़ा प्लॉट है और आपने कुछ जगह पर जो है अपनी बिल्डिंग खड़ी करके और सारा खुला प्लॉट, देखो क्या वो वेस्ट की डायरेक्शन है? यदि है तो अनार का वृक्ष यानी कि पोमीग्रेनेट, अनार का वृक्ष वहां पर उगा लो। अनार का वृक्ष, वृक्ष जो होता है पेड़, पेड़ तो अपने आप में ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है। दूसरा, अनार का वृक्ष जो स्पेसिफाई है वो लक्ष्मी का फेवरेबल है, लक्ष्मी का वहां पर निवास स्थान होता है। तो हम लक्ष्मी को भी अपनी एनर्जी को अपने फेवर में लाने के लिए आप अनार का वृक्ष भी उगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप वहां पे ठीक कर सकते हो। तीसरा, तीन डायरेक्शन ऐसी होती हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान देना। पहला, साउथ साउथ वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और साउथ दक्षिण के बीच की जो जगह होती है वो डायरेक्शन जो सबसे नेगेटिव डायरेक्शन होती है, वो ड्रेनेज की जगह होती उसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब भी आप अपना पैसा रख रहे हैं तो ध्यान से रखना क्या आपका पैसा साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं रखा। यदि आपने भूल कर भी साउथ साउथ में पैसा लाके रख दिया तो ये समझ लेना पैसा रखोगे तो बाद में, लेकिन उसके खर्चे पहले आने शुरू हो जाएंगे। आप तो 1 महीने की सोच रहे हो सकता है 10-15 दिन में ही वो डब्बा खाली हो जाए। इतने बेफजूल के खर्चे, अनवांटेड एक्सपेंसेस जो है आपके सामने आकर खड़े हो जाए। तो उसमें आप ध्यान रखना है कि कभी भी हमें साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पैसे कभी भी नहीं रखना। दूसरी डायरेक्शन हमारी आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व और जो आग्नेय कोण है उनके बीच की डायरेक्शन। यहां पर क्या होता है, ये डायरेक्शन क्या है, एनालिसिस ज्यादा करो। हमने पैसा रख दिया लेकिन हम क्या है हर चीज में नुक्तेबाजी निकालनी शुरू कर देंगे। ठीक है, हर चीज आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एनालिसिस होनी चाहिए लेकिन एक उसकी लिमिट होती है। यदि कुछ ज्यादा एनालिसिस कर ली या दो बंदों में हस्बैंड वाइफ के अंदर किसी भी चीज को लेकर बहस हो गई तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो पैसे को कभी भी हमें ईस्ट साउथ ईस्ट में भी नहीं रखना। और तीसरी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम और नॉर्थ, क्योंकि तो यहाँ पे क्या होता है वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं तो लोग वेस्ट को पूरा समझते हैं। तो यहाँ देखना है वेस्ट का आप डायरेक्शन निकालें तो पैसा या तो वेस्ट में रखें या वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ रखें, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ना लेकर, क्योंकि वो डायरेक्शन क्या होती है हमें डीमोटिवेट कर, यानी कि हमारे अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उसको दबा देती है। आप देखना वो डायरेक्शन कुछ काम के लिए फायदेमंद होती है। मान लो कोई व्यक्ति की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा डाउन जा रही है या कोई व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है तो 10 से 15 मिनट के लिए उस व्यक्ति को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर बिठा दो, आप देखेंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि ज्यादा समय उसको वहां पर बिठा दिया या उसका बेड ही वहां पर लग गया तो वो एनर्जी को डाउन करता चला जाएगा और वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएगा, उससे उभर ही नहीं। तो ऐसा ही पैसा है कि पैसे को हमें ऐसे जगह पर लेके जाना है जो एनर्जी से भरपूर हो। एनर्जी से भरपूर मतलब कि उस पैसे का हम यदि यूज करें किसी सामने वाले व्यक्ति को दें तो उसके लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो, क्योंकि जिस पैसे से हम जो कोई भी सामान ले रहे हैं तो वो सामान जब लेंगे तो जिस एनर्जी का वो सामान हम लेकर आएंगे वैसी ही हमारे लिए वो फबेगी। जैसे मान लो आपने दूध और ब्रेड लेने गए और चांस की बात है पैसे देते हुए आपने ऐसी बार्गेनिंग करी कि सामने वाले ने खुश होकर आपको सामान नहीं दिया। यदि वो
नाराज रहा या उसने, कई बार क्या होता है तू तू मैं हो जाती है, हम सामान तो ले लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी देने की, यानी कि उसने अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ आपको सामान दे दिया, तो आप देखना वो सामान में आपको बरकत होगी ही नहीं। ऐसा मैंने ये चीज कई बार देखी और मैं खुद भी देखता हूं, यदि मैं दुकानदार का मूड देखता हूं कि सामने वाले का मन कैसा है, यदि वो बहुत ज्यादा सुस्त बैठा हो, माथे पर हाथ रख के बैठा हो, तो मैं उस दुकान पे सामान ही ले लूं। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी तो पहले से ही नेगेटिव है, मैं दूसरे की नेगेटिव एनर्जी अपने घर क्यों लेके जाऊं, दूसरी दुकान से ले लेंगे। तो वहां पर हमें ये देखना है कि जो शॉपकीपर है उसकी एनर्जी कैसी है। जब हम दुकान के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां की एनर्जी कैसी है, मुझे कैसा अच्छा लग कि भी मैं अपना पैसा यहाँ पर खर्च कर रहा हूं, क्या मुझे उस पैसे के हिसाब से सही मायने में उतनी चीजें मिल रही है नहीं मिल रही, क्या उसका मैं उतना उपयोग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। यदि मैंने पैसा खर्च कर लिया और मुझे नेगेटिव एनर्जी के साथ यदि कोई सामान मिला तो मेरी वैल्यू वहां पर जीरो हो जाती है, मेरा पैसा वेस्ट हो जाता है, हो सकता है मैं बीमार हो जाऊं, बीमार हो गए तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो मुझे हमेशा ऐसी जगहों का चयन करना पड़ेगा जहां पर दुकानदार खुश रहता हो। इसलिए कहा जाता है आप लोग भी दुकानदार हैं, है ना, कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो जब भी आप सीट पर बैठे अपनी, तो वहां पर अपनी दिग वंदना करके उस स्थान को एनर्जाइज करके बैठे और साथ में अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें। जब आप वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो कस्टमर है आपको देखकर एंट्री करेगा और आपके पास पैसे का आवागमन होने लगो। और आप देखेंगे भी इस चीज को कि जो दुकानदार खुश रहते हैं, जहां पर एनर्जी पॉजिटिव्स रहती हैं, जो कस्टमर की सुनते हैं, वहां पर हमेशा बरकत ही बरकत हो सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है कि व्यक्ति की पुण्यवाणी भी काम करती है। हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करना हमारा काम है, हमने पुरुषार्थ किया और जैसे ही हमारी पुण्यवाणी आएगी तो जितना हम चाहते हैं गुरु का, उससे भी मल्टीपल हम ग्रो कर जाएंगे, उससे भी ज्यादा हम पैसा कमा जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति आपके पास लग जाता है, यानी कि आपका कस्टमर बन जाता है, आज छोटी परचेज कर रहा है तो बाद में बड़ी परचेज भी आपसे करेगा, लेकिन वो कब करेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी, जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि सामान तो वो कहीं से भी ले सकता है। मेन अट्रैक्शन कि आपके शॉप के अंदर क्या अट्रैक्शन है, आपके अंदर क्या अट्रैक्शन है, आप उसको कितना मेंटेन कर पा रहे हो अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी आइटम्स के द्वारा। आपने देखा होगा कई बार दुकान पे कि हम कोई भी आइटम रखते हैं, तो आइटम जब रखते हैं तो कस्टमर आ कहता है पर्टिकुलर मुझे यही वाली आइटम दे, क्योंकि उस आइटम में क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे फैन चाहिए तो कहते हैं यही वाला डब्बा मुझे दिखाओ, इसके अंदर जो फैन रखा, क्यों, क्योंकि आपने उस वहां की एनर्जी को इतना बना के रखा है, इतना पॉजिटिव बना के रखा है कि व्यक्ति उस आइटम की तरफ अट्रैक्ट हो गया, फिर आपका व्यवहार है। और आपने जब उसको दिखाया तो आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको आइटम दिखाए, तो वो आपका जो है माल, यदि मान लो 5,000 रुपीज का सामान लेने का मन बना के आया तो नेचुरली वो बढ़ा के ही सामान लेके जाएगा और अच्छा सामान लेके जाएगा। फिर उस समय आता है कि जब आप पैसा दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं तो आपके विचार कैसे होने चाहिए, है ना, आइटम तो आपने बेच दी और उससे आप पेमेंट ले रहे हैं, हमारी इनकम कैसे, हमारी इनकम तो जब होगी ना जब हम उसको माल बेचेंगे, हमें पैसा मिलेगा। अब पैसा कैसे ले रहे हैं आप, किस एनर्जी के साथ आप पैसे को लेके अपने कैश बॉक्स में रख रहे हैं, यहाँ पर वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने माल दे दिया, जब भी आप पैसा लें तो सबसे पहला है कि आप भरे स्वर के अंदर लें। भरे स्वर का मतलब होता है कि जब भी आप, जैसे आप पैसा ले रहे हैं तो इनहेल करें, यानी कि अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन भर लें, ऑक्सीजन हमने भर ली, इनहेल कर लिया, उससे पैसे ले लिए और एक्सहेल कर, जब आप अपने गले में रखते हैं फिर दोबारा एक बार इनहेल करें, यानी कि सांसों को लें, खींचें और गले के अंदर पैसे रखें। यदि आपको उसका पैसा लौटाना है
यदि जो बैलेंस बच गया उसको लौटाना है, वो भी आपको भरे स्वर में ही लौटाना चाहिए, क्योंकि भरे स्वर का यहाँ पर मतलब होता है कि जो मैं सामान दे रहा हूं, जो मैंने पैसे का आदान प्रदान किया है, वो मेरे लिए भी अच्छा हो और उतना ही अच्छा मेरे कस्टमर के लिए भी हो। जब भी तो उसके घर के अंदर बरकत होगी, उसके घर के अंदर बरकत होगी तो पैसा अपने आप आना शुरू होगा। इसके साथ साथ में आपको एक बात का और ध्यान रखना कि जो आपका कैश बॉक्स है वहां पर एनर्जी को कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आप एक स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक को बनाएं और अपने हाथ से बनाएं, या अपने घर के अंदर जो लेडीज हैं उनसे बनवाएं, अपनी मदर से, अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से, उनसे एक स्वास्तिक बनवाएं और वह सर स्वास्तिक जो है आप अपने कैश बॉक्स के अंदर लाकर रखें। और डेली जब भी आप कैश बॉक्स खोलें तो उसको देखते हुए अपने मूल मंत्र को जाप करें, जिससे कि जो आपने स्वास्तिक रखा है, जिसके अंदर कहते हैं कि देवी का एनर्जी है, आप उसको डेली डेली एनर्जाइज कर रहे हैं, उस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। यानी माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है, आपके घर के अंदर जब बेटी होती है तो कहते हैं ना, आज लक्ष्मी आई है हमारे घर के अंदर, लक्ष्मी आई है ना। जब शादी होती है तो क्या कहते हैं, गृह लक्ष्मी आई है, यानी कि किसी भी स्त्री को हमने लक्ष्मी तुल्य माना है, पर है भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी खाली पैसे से नहीं होती, लेकिन यदि पुत्री आ रही है तो आपके परिवार की शोभा है, तो वो लक्ष्मी ही है। तो उस लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ स्वास्तिक आप अपने गले के अंदर रखें, और ये गला कौन सा हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, जो आपने घर के अंदर जो जगह बनाई है जहां पर आप पैसा रखते हैं रूटीन के अंदर, उसमें भी रखें। साथ में जो अलग से एक छोटा डब्बा रखना है, जो कि हमने आग्नेय कोण में रखना है, उसके अंदर भी आप स्वास्तिक बनाकर रखें। और खासकर साउथ ईस्ट के अंदर तो रेड कलर का ही स्वास्तिक बनाकर आप रखें, जिससे कि एनर्जी का फ्लो ज्यादा से ज्यादा वहां पर हो सके। तो इस प्रकार से आपने स्वास्तिक के हिसाब से देखा। अब बात आती है कि कस्टमर आपकी दुकान पर कैसे पहुंचे। ये तो आने के बाद तो गया, लेकिन कस्टमर को पहले तो अटैक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी जो मेन एंट्री है उसको एनर्जाइज बनाना पड़ेगा, चाहे वो दुकान की एंट्री हो, चाहे मेरे घर की एंट्री हो, या बच्चों की स्टडी के रूम की एंट्री, या जहां पर हमने पैसा रखा हुआ है उस रूम की एंट्री, इन सभी एंट्री को हमें एनर्जाइज करके रखना पड़ेगा। हम कई बार वास्तु विजिट पे जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, यंत्रों मंत्रों का यहाँ पर चिपका के रखते हैं। तो आप देखो, अब सभी यंत्र मंत्र आपके फेवर में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये आपको एक बार देखना। तो उसके लिए सबसे पहला रूल है कि मेन एंट्री पर, चाहे वो ऑफिस की एंट्री है, चाहे आपके घर की एंट्री है, वहां पर भगवान की फोटो कभी भी नहीं लगानी। लेकिन आजकल दुर्भाग्यवश देखने में आ रहा है कि हर घर के बाहर या दुकान के बाहर भगवान गणेश की फोटो लगा देते हैं, भगवान शिव की फोटो लगा देते हैं, भगवान हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, भगवान महावीर की फोटो लगा देते हैं। यानी कि जो जिस धर्म को मानता है वो अपने इष्ट देवताओं को गेट पर लगा देते हैं। क्या सोच के लगाता है कि भी जहां पर भगवान होते हैं वहां पर तो नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। अब आपसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है कि जहां पर भगवान विराजमान है वहां पर तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, लेकिन भगवान जहां पर विराजमान है वो स्थान भी तो कैसा हो, क्या उनका स्थान हमारे घर का मेन डोर हो सकता है। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि जब भगवान वहां पर विराजमान हो सकते हैं, आप बिठा सकते हैं, तो आप भी वहां बैठ सकते हैं, तो आप एक काम करें, अपने बोरी बिस्तरा उठाओ, अपना रूम छोड़ो, आप भी अपने गेट पर पहुंच जाओ, वहीं अपना बेड बिछाओ, आपका खाना पानी सब वहीं पर मिलेगा, तो आप क्या कहोगे।
क्या आंसर होगा आपको? भाई मैं क्यों बैठूं गेट पर, मेरा स्थान तो अंदर बेडरूम में है। अरे जब तुम्हारा स्थान बेडरूम में हो सकता है तो भगवान का स्थान आपके घर के अंदर बने मंदिर में होता है, ना कि मुख्य दरवाजे पर। यदि आपने भूल कर भी अपने ईष्ट को, अपने देवता को यदि आपने मुख्य द्वार पर बिठा दिया, वहां पर इमीडिएट नेगेटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब गेट पर कौन बैठ सकता, आप कभी देखना मंदिरों में हो क्या? तो इसका सबसे बड़े तरीके मंदिर में जाओ। भगवान गणेश की मूर्ति कहाँ मिलती है? कई बार मुख्य द्वार पर मिलती है, लेकिन अंदर कौन है? भगवान शिव, माता पार्वती, यानी कि बेटा अपने माता पिता के कमरे के बाहर बैठ सकता है, लेकिन कभी भी मंदिर के अंदर, जो कि वहां पर मान लो शिव का स्थान है, उन्होंने कभी राम की फोटो नहीं लगाई। राम और सीता की फोटो गेट पर लगाई हो, या वो राम सीता का मंदिर है तो उन्होंने कभी शिव पार्वती की फोटो नहीं लगाई। क्यों? वो उनके आराध्य हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, उनका स्थान उनके साथ में ही होता है। और वहां पे बाहर किसकी फोटो मिलती है? गणेश जी की, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, पुत्र समान है ना। तो इस बात का हमें भी ध्यान देना है। हमने कॉपी तो कर लेते हैं कि अभी मंदिर में फोटो लगी है तो मैं भी लगाऊंगा, क्या कहेंगे यार पड़ोसी ने फोटो लगा रखी तो मैं भी लगाऊंगा। अरे पड़ोसी ने लगाई है तो देखो तो सही, क्या वो सही भी कर रखा है नहीं कर रखा। हम लोग देखते हैं यार उसके यहाँ तो बड़ा पैसा आया है, तो इसका मतलब हो गया उसने भगवान की फोटो गेट पर लगा दी, तुम्हारे यहाँ ही पैसा आएगा। ये सरासर गलत है। जब भी आप कोई ऐसा काम करें, अपने विवेक के माध्यम से उसको चेक करें कि क्या ये सही है क्या गलत है, उसके बाद ही अब बात आती है कि हम लगाएं क्या फिर, क्योंकि मेन गेट की एनर्जी को एनर्जाइज करना तो जरूरी है। ऐसे दुकान के अंदर दुकान की एनर्जी को एनर्जाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो कस्टमर बाहर निकल रहा है उसको अंदर कैसे बुलाएं, उसको अट्रैक्ट कैसे करें? अट्रैक्ट कौन करता है? वहां की एनर्जी, ऊर्जा। जितनी ऊर्जा पॉजिटिव होगी आपका कस्टमर उतनी जल्दी आपकी दुकान में एंटर होगा। तो वहां पे क्या करें, एंट्री करते वक्त राइट हैंड साइड पर आप लगाएं स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएं ओम, और सिर के ऊपर यानी कि चौखट के ऊपर लगाएं कलश। आप ये फोटो भी लगा सकते हैं। आजकल क्या है, कंप्यूटर पे कलर फोटो निकल जाती हैं, उनको करते हैं, उनको लेमिनेट कराओ, जैसे आपको सुंदर लगे वो कर सकते हो। हाथ से भी बना सकते हो, रोली से भी बना सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा बनाओ, और बनाने के बाद उसको देखो कि आपको देखने में कैसी लग रही है, आपको कैसी एनर्जी लग रही है। जब तक आपकी एनर्जी अच्छी नहीं बनेगी, आपको मजा नहीं आएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो उसको देखें कि एनर्जी को हमें पॉजिटिव कैसे बनाना है। इसी प्रकार के घर के अंदर, घर के मेन एंट्री को भी ठीक करो, उसके साथ में क्या है, साफ सुथरा होना जरूरी है। मेन एंट्री का, लक्ष्मी का निवास कहाँ से होता है? मेन एंट्री से। हम दिवाली पे करते हैं ना, दिवाली के दिनों में कहते हैं अब तो लक्ष्मी का वास आएगा, और हम क्या करते हैं, गेट के बाहर सारे जूते चप्पल गंदगी। कभी मैंने अपना घर तो सजा लिया, मेन एंट्री को कुछ भी होता। ऐसे दुकानों पे देखता हूं मैं नॉर्मली कि दुकानदार कहता है अपनी दुकान की तो सफाई कर ली और कूड़ा करके जो है मेन गेट पे रख दो। अरे मेन गेट पे कर रखा है, लक्ष्मी का वास तो वहीं से होना है, या दूसरे की दुकान पे आप कूड़ा रखाते हैं? नहीं, जब आपने अपनी दुकान की सफाई की है, प्रॉपर ढंग से स्वच्छता का ध्यान रखा है, तो मेन एंट्री यानी कि जो रास्ता कस्टमर्स का है वो रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पोछा लगा के साफ सुंदर करके। और वहां पे जब ओम स्वास्तिक और कलश लगाने के बाद जब आप पिरामिड की शेप बना देते हैं, पिरामिड कैसे बना भाई, हमने एक साइड लगाया स्वास्तिक, एक साइड लगाया ओम, और ऊपर लगा दिया कलश, तो ये तीन डायरेक्शन बन गया, तीनों को जो हम जोड़ते हैं बन गया पिरामिड। अब पिरामिड क्या है? पिरामिड का मतलब होता है पायरामिड, इसको हम सन्नी छेद करते हैं पायरामिड के, जिसके मध्य के अंदर हमेशा अग्नि का वास होता है। अग्नि क्या है? अग्नि प्यूरिफाई के लिए,
प्योरिटी बढ़ाना है। यदि मान लो कोई नेगेटिव पर्सन आपके यहाँ पर एंट्री भी करने की कोशिश करेगा तो वहां पर वो अपनी एनर्जी को छोड़ देगा, यानी कि उसकी एनर्जी वहां पर टूट जाएगी। और जितनी नेगेटिविटी के साथ एंट्री करा, जैसे कि उसकी एनर्जी वहां पर ब्रेक हुई वो अंदर कर जाए, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो अपने आप वहां पे खत्म। और हमें नेगेटिव इफेक्ट ही खत्म करना है, वो हमारा खत्म है ना। तो जो पिरामिड की जो एनर्जी होती है, प्योरीफाई होती है, वो क्या करती है कि गेट पर यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आ भी गई है तो क्या है, वो पिरामिड की जो अग्नि है उसको वहां पे प्योरीफाई करती है। यानी कि आपने एक तरह का प्योरीफिकेशन फिल्टर प्लांट ही वहां पर लगा दिया, परमानेंट प्लांट लगा दिया, कि भी एनर्जी जो है जब भी एंटर होगी वो प्योरीफाई करके ही एंटर। उसके साथ साथ में आप यहाँ पे छोटा पौधा भी लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट का लगा लिया, या कोई भी छोटा पौधा जिसके अंदर कांटे ना हो, जिस पौधे के अंदर पत्तों को तोड़ने से दूध ना निकलता हो, ऐसे पौधे आप छोटे पौधे लगा सकते हैं। हरे पौधे लगाएं, ऐसा पौधा जो सबसे ज्यादा पसंद करते, आपको देखकर आपको एनर्जी आती, क्योंकि सबसे पहले देखना ओनर को। ऐसा नहीं कि हमने लेके पौधा लगा दिया और आप जब भी एंट्री पौधे देखो आपका ही मूड चेंज हो जाए, डाउन हो जाए, नहीं। आपका जो एनर्जी आपको बढ़नी चाहिए कि पौधे को देखकर आपकी एनर्जी बढ़ जाए, है ना। जब आपकी एनर्जी यहाँ पे प्योरीफाई होगी, इंक्रीज होगी, एनहांस होगी, तो क्या है, पैसा वहां से, यानी कि जो भी कस्टमर आ रहा है आप ये मान के चलें वो आपकी एनर्जी के साथ मैपिंग होगा, आपकी बात को सुनने लग जाए। आपकी बात सुनेगा तो क्या है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप जो भी बात कहेंगे हाँ ठीक है, और आप जो भी सामान दे देंगे बड़े प्यार से वो लेकर जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमने यहाँ पे घर की डायरेक्शन की, इसी प्रकार से आप दुकान के अंदर भी वो डायरेक्शन आप वहां पर कर सकते। लेकिन दुकान पे आपको भी ध्यान देना है कि जो आप मेन गल्ला बनाए, मेन एंट्री, वो कोशिश करें कि वहां पर नॉर्थ की डायरेक्शन में, और इस प्रकार से फेसिंग करनी है कि जो फेस हो, जब वो आप अलमीरा खोलें या जो भी आपने जगह बना रखी उसको खोलें, तो वो भी नॉर्थ की तरफ फेस करती हुई ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ में जैसे शॉपकीपर्स हैं उनके लिए विशेष है भाई, शॉपकीपर में तो एक रूम होता है 12 बाई 12 का, 15 बाई 15 का, है ना, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो क्या है, जब भी आप दुकान के अंदर एंट्री करें तो सबसे पहले सेंटर में खड़े होके दिग वंदना करनी आप अपना, ये समझ लो रोजमर्रा का कार्य है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग के अंदर एनर्जी वहां पे एनहांस कर दोगे, पैसे की बरसात उतनी ही होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रात भर ऑफिस बंद रहता है, अंधेरा रहता है, अंधेरा रहेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी बन जाती। जैसे हम आए, हमने लाइटें खोली, साफ सुथरा करा, वहां पे एनर्जी बननी शुरू होती है, वो क्या होता है स्लो मोशन। लेकिन जैसे ही हम दिग्वंदना कर दें तो वेरी फास्ट जो है बहुत तेजी से वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको स्टाफ को अच्छा लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि स्टाफ टिकता ही नहीं है ना, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पा रही, उसका मन ही नहीं करता काम करने का। जैसे ही वहां पर आप पॉजिटिव एनर्जी बनाओगे आपका स्टाफ टिकने लगेगा, आपके साथ मैपिंग होने शुरू हो जाएगी, आपकी बात सुनने शुरू। जब हम इन सब चीजों को करते हैं तो हम पैसे को इनकमिंग के लिए रास्ता खोल देते हैं, पैसा अपने आप आने लगता है। कहाँ से आएगा, क्या होगा, आप खुद देखेंगे कि पैसा, अब मेरा जो है सेटिस्फेक्शन लेवल प्रॉपर हो गया है, मुझे पैसा आने लग गया है। सिर्फ आपको इन चीजों का विशेष ध्यान। अब आप 10 मिनट रहेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के, कोई भी मेरे से बात करना चाहता है, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है वो आप रेज हैंड करेंगे, वन बाय वन हम उस पर बात करेंगे। जी प्रीति जी, जय जीतेंद्र सर, सर जय जिंदगी। आपने बताया कि अनार का पौधा किस डायरेक्शन में लगाना है? जो अनार का पौधा है उसकी डायरेक्शन है वेस्ट, सबसे पहले कोशिश करो वेस्ट में ही लगाओ, ठीक है। यदि वेस्ट में जगह ना मिले
तो फिर आपको नॉर्थ की तरफ जाना है या दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है? ठीक है सर। और नॉर्थ में भी ना हो सर, अगर हम साउथ वगैरह में लगाएं, जी अगर साउथ साउथ में लगा में दें। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा साउथ में लगाते हो, नॉर्थ में क्या है। साउथ तो वैसे कोई भी पौधा लगा लो भारी होगा, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा सनलाइट कैसे आ रही है, कैसे, क्योंकि हमने ये देखा है यदि आप साउथ की तरफ पौधे लगाते हैं तो ज्यादा नहीं चलते, नॉर्थ की तरफ चलाते हैं तो ज्यादा चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि सनलाइट कैसी पड़ रही है। नॉर्थ में सर सनलाइट बिल्कुल नहीं है वहां पे कम होती है, नॉर्थ में कम आती है ना, तो जी यदि सर। सनलाइट कम आती है तो पौधे के लिए, कुछ पौधों के लिए तो सनलाइट बहुत कम है, जैसे आजकल इंडोर जो प्लांट है उनमें तो सनलाइट चाहिए ही, मतलब हफ्ते में आप थोड़ी सी सनलाइट लगा दो तो हो जाता है ना। जी लेकिन अनार के पौधे के लिए स्पेसिफिक जगह वेस्ट की ही होती वेस्ट की जगह है। आजकल क्या है, इंडोर प्लांट भी आने लगे छोटे छोटे, है अनार के। ना, तो है ना, हाँ सभी आते हैं आजकल मार्केट में, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लो आप कहते हो घर के अंदर भी वेस्ट में तो जगह नहीं है, कोई बात नहीं, तो क्या करो अनार के पौधे के पिक्चर निकाल लो, है ना, पिक्चर तो निकाल ही सकते हैं अपने पेपर्स पे, पिक्चर वही पिक्चर लगा दो, लेकिन पिक्चर जो है ऐसे लगे कि जैसे बिल्कुल नेचुरल, जिसके ऊपर अनार का पौधा है उस पर एक दो अनार लगे हुए हैं, है ना, तो वहां से एकदम जो है अट्रैक्शन बढ़ती है कि आपने उस डायरेक्शन को एनर्जाइज करो, ठीक है। ठीक है श्याम सर, ठीक, थैंक यू सर। कुमार जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जी, जरा जॉब में इंक्रीमेंट के बारे में बात करना था, कैसे और ये सब जी। आप जॉब करते हैं? देखिए जहां पर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किस बेस पर होती है, वर्किंग वर्किंग बेस पे काम बेस पे, है ना, टाइमिंग। तो जो आप उनको दोगे, सिंपल सी बात है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो यदि उनको जितना आउटपुट दोगे उन्हीं में से आपका शेयर आपको मिलेगा, सिंपल सा फार्मूला है ना। तो वो अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाओगे आप, जहां तो वही है सब कुछ वही है, तो वहां पे क्या है, जिस जगह पर आप बैठ रहे हो वहां की एनर्जी को एनर्जाइज करो। जैसे मैं हूं, मैं कोई काम करता हूं, मुझे लग रहा है यार मैं तो 1 घंटा ही काम कर पाता हूँ, इससे ज्यादा काम ही नहीं कर पाता, वो कैसे नहीं, कई बार तो हमारी जो माइंड है, माइंड सेटअप ही ऐसा होता है कि मुझे तो इतना ही काम करना है, इससे ऊपर करना ही नहीं, ये हमारा माइंड सेटअप है। पहले तो उस जी माइंड सेटअप को हटाओ, है ना, कि मुझे अपने पूरी जो दम है, जितने मेरे अंदर है मैं उतना आउटपुट दूंगा, एक अच्छी मेंटलिटी के साथ दूंगा, और उसके साथ में जहां पर भी आप बैठते हो, जो भी आपकी सीट है, एक तो वहां पर दिग वंदना करो। है आप कौन से धर्म को मानते हो? विष्णु विष्णु होगा, विष्णु दक्षिणी भगवान, विष्णु। तो ओम नमः शिवाय ये जाप करते हो या भगवान विष्णु की जाप करते हो, है ना, जो भी आप जाप करते हो, तो उसमें क्या, ऑफिस में आप बैठे तो क्या करो, ईस्ट फेस निकालो, ईस्ट फेस में 3 बार विष्णु जी की जाप कर ले, फिर ईस्ट करके राइट टर्न करते करते ऐसे 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे, 6 बार आपने, 3 3 बार उनका जाप लिया और काम शुरू कर, क्योंकि एनर्जी बन गई, पॉजिटिव एनर्जी बन गई, तो पॉजिटिव एनर्जी बनेगी आपके अंदर, एक खुद में एनर्जी आएगी, और आपका जब आउटपुट अच्छा निकलेगा तो सामने वाला देख रहा है उस चीज। जी गुरु जी, पर नाम आता है, जैसे 1 साल हुआ नाम आएगा, लेकिन वो पोस्टपोन हो जाता है, जैसे 2 साल 3 साल हो गए कंटिन्यू पोस्टपोन हो रहे हैं, ऐसे मतलब कुछ। नहीं, आप ये करके देखो 100% आएगा। जी, थैंक यू इसके अंदर कुछ काम होते हैं ऐसे जो हमने सौर विज्ञान से भी कर सकते हैं, जी। जो अपने बॉस को कैसे अपने फेवर में लेके आए, इंक्रीमेंट तो बॉस के थ्रू पे, तो जो भी हमारा सीनियर होता है वो रिपोर्टिंग करेगा, है ना, तुम उसको, उसकी रिपोर्टिंग अपने फेवर में कैसे ले, पहले ये वाला शुरू करो, ठीक है, उसके बाद अगले महीने स्वर विज्ञान का एक कोर्स आएगा, आप उसको करना, तो आपको छोटी छोटी चीजें पता चलने शुरू होंगी कि हम अपने सामने वाले को अपने फेवर में कैसे ला सकते, जी आ गया। ठीक है। चल महेंद्र जी अनम्यूट होइए सर। जिनेंद्र हाँ जय जयदेव की, कैसे हो? देव की, बस नहीं अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना है ऑपरेशन के लिए, अरे क्या हो गया? अच्छा हर्निया हर्निया हो गया, चलो, तो हर्निया का ऑपरेशन है, तो उसको कौन से स्वर में जाना चाहिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने के।
एडमिट होने के लिए आप सूर्य स्वर का यूज करेंगे, सूर्य स्वर का बराबर है ना, और जब ऑपरेशन भी जाएगा, ऑपरेशन थिएटर आपको पता होगा उस समय लेके जा रहे हैं, हाँ तो आपको हाँ सूर्य स्वर में ही एंट्री करना ओके ठीक है ना है। उसमें। दूसरा जो अभी जो बाहर लगाना है कलश, स्वस्तिक और ओम, ये प्लास्टिक के चलेंगे या कॉपर के लाना है या ब्रास के लाना है या मेटल आप के लाना देखिए इसके अंदर जो चीज होती है ना वो लोहा यूज नहीं करना, आयरन यूज नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी का भी ले सकते हो, पेपर भी ले सकते हो। है। अच्छा मेन बात होता है कि जो आपने ओम स्वास्तिक लगाए उनको देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है या डाउन जा रही है। यदि आपकी एनर्जी डाउन जा रही है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हटा देना है, और आपको लगे कि ये मेरे लिए बड़ा सुंदर है, मेरी एनर्जी अप हो रही है, तो क्या है वो आपके लिए सुटेबल है। दिगबंधन तो रेगुलर है, चालू है। अच्छा हाँ तो बस उसी से करते रहो, वो आपको बहुत आगे तक ले जाए। जी, दिगबंधन रेगुलर चालू है वो कब के, कभी 3:30 बजे कभी 4 बजे मॉर्निंग को हो जाता है। हाँ करते रहो, बस करते रहो, उसको छोड़ना नहीं, वो तो डेली समझ लो खुराक है भाई, हाँ रोटी खुराक है, हम लोग खाते हैं, खुराक। नाश्ता करते हैं, तो ये भी हमारी खुराक अच्छा तो ये अगर खाना खाने बैठू तो भी दिगबंधन करूँ तो चले? हाँ नहीं। खाना खाने से पहले कर लो, 3 बार कर लो। पहले तो ये कहा जाता है, पहले तो सिस्टम भी होता था ये कि जब थाली हमारे सामने हो तो पहले अपने देवता को याद करो, अपने भगवान को याद करो, अपने मूल मंत्र को पढ़ो, उसके बाद भोजन करो, कि जो एनर्जी है हमारे भोजन के अंदर जाए और वही एनर्जी भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर। जी। ठीक है, जय कैसे प्रकाश है जी, तबीयत, आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया, फर्स्ट मेरे को क्लास, बढ़िया। अभी एडवांस कोर्स भी करना है तो थोड़ा ये थोड़ा इसे हॉस्पिटल का पड़ जाए तो फिर मैं अगले एडवांस कोर्स अगले कर महीने का पाऊंगा। लेना, आपका सितंबर में हाँ लेकर लेना। जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरु, हाँ जी, जय प्रकाश जी, प्रणाम जी प्रणाम गुरुदेव। जी। हाँ सर, आपने बताया वो दुकान का जो मेन गल्ला है वो नॉर्थ की ओर होना चाहे या खुले तो भी नॉर्थ की ओर, लेकिन अगर ये दुकान की सिचुएशन ही ऐसी है कि जैसे ईस्ट वेस्ट है ठीक और है, ठीक ऐसे स्पेस नहीं है, ऐसे टेबल ऐसे रखे, या उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? है। मैंने आपको बताया ना कि उसके अंदर जो आपके फैमिलीज के अंदर आपकी मदर हैं, आपकी वाइफ हैं, बेटी हैं, उनके हाथ से स्वास्तिक बनवाओ, बताया ना, और वो जी स्वास्तिक जी गले में रख लो, जी तो वहां पे ऑटोमेटिकली एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी, जी सर है ना, क्योंकि हम शॉप की डायरेक्शन तो चेंज कर जी ही नहीं सकते, जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन मेन होता है वहां की एनर्जी को कैसे अच्छा बनाए, तो वो एनर्जी अच्छी बिल्कुल बनाओ सर तो आपका गल्ला हमेशा पैसे भरा ही रहेगा। जी। जब से आपको आपसे टच हुआ है तब से वो भरे स्वर में पैसे के लेन देन वगैरह वो सब अभी आदत में डाल रहे हैं, कई बार भूल जाते हैं लेकिन फिर भी अभी कोई तो बात कुछ दिनों में नहीं, आदत बन जाएगी। आपको कैसा फीलिंग मैं आ रही है, बहुत दिल से आपको मेरी जी मतलब जी बहुत फीलिंग अच्छी, कैसी आ और रही है? मैं बहुत दिल बहुत अच्छी आ रही है। चलो मैं 45 अभी रनिंग है लेकिन ये चीज मुझे अभी मिली सर, अभी इतने एज ओके, में अभी मुझे मिले। मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं और आपको बहुत बहुत चल प्रणाम करता हूं कि चल, ये चीज आपके माध्यम से मुझे मिली, और राखी के दिन से ये हमने चालू किया है सर बिल्कुल दिल से चालू रखो, इसका जी। बहुत बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ इज वेल्थ, हम हेल्दी रहेंगे तो पैसा तो अपने आप आ जाना है ना, जी तो ये बिल्कुल सर स्वर बिल्कुल विज्ञान और वास्तु जो है, जो एनर्जी है, हमारी जी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, हमारी वेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, साथ में सबसे बड़ी बात है हमारी फैमिली को एक जोड़ के रखते हैं। जी, बहुत अच्छा सर। मैं आपको दिल की गहराइयों से चरण स्पर्श करता हूँ सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद प्रवीण राठौड़ जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर मुझे ये पूछना था, ये जो दिगबंधन आपने बताया, मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो जी। दिगबंधना बोले तो उसमें मंत्र जो बोलना है वो कौन सा मंत्र बोलना है? अपना मूल मंत्र, अपना आप मूल कौन मंत्र से बोलना है धर्म और को कौन सा मानते मंत्र हैं? होगा? एक्चुअली हम मैंने तो गुरु दीक्षा भी ली हुई है तो हम लोग गुरु मंत्र भी है तो वो बोल सकते हैं। नहीं, गुरु मंत्र अलग है, गुरु मंत्र बोल सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु मंत्र लिमिटेड है अच्छा ना, जो आप ईष्ट, जिस ईष्ट को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, हाँ हाँ उन भगवान का मंत्र बोले, अच्छा वो एक ज्यादा पावरफुल होता है, यदि जब तक नहीं मिलता जब तक आप गुरु मंत्र भी बोल सकते हो, है ना, अच्छा हर अच्छा डायरेक्शन में कम से कम 3 बार,
हर डायरेक्शन में 3 बार, हाँ ईस्ट वेस्ट ये थी, नॉर्थ साउथ, हाँ, और अप और एंड नीचे। डाउन, ऐसे 6 डायरेक्शन होंगे, अच्छा, 4 डायरेक्शन और अप एंड डाउन साथ में करके 6 हो, छः। ठीक और है। सर और एक पूछना था, ये जो आपने ये डोर पे आपने स्वस्तिक राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ओम और ऊपर कलश का बताया, तो उसको हाँ जो रेडीमेड मेटल वगैरह के जो मिलते हैं, आपने देखा रहेगा वो सब, तो उस टाइप का लगा सकते हैं कि वो नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, मैंने साथ आपने में लगा ये भी दिया? कहा है जब आप परचेज करो तो हाँ उसको हाथ में लेके देखो कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है, यदि अच्छा, आपको अच्छा लगे, आपको एनर्जेटिक लगे तो लगाओ, यदि तो आपको लेकिन अभी, एनर्जी नहीं मिले तो छोड़ दो। अच्छा लेकिन अभी आपने बताया कि वो मेटल का नहीं होना चाहिए। हाँ आयरन नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं, लोहा नहीं होना लोहा, चाहिए, बाकी पीतल वगैरह चल सकता है ना? कोई भी ले लो, क्योंकि लोहा एनर्जी खाता है, कम करता है, तो अच्छा मैं उसको कम नहीं कर रहा, अच्छा, ठीक ठीक है, है। चल रेनू धन्यवाद। जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जो गले में जो स्वास्तिक रखना है वो कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? हेलो कैसे सर, मेरी बनाना आवाज आ रही है? है? हाँ 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 नहीं, स्वास्तिक तो नॉर्मल आप बनाते हैं ना, हाँ पहली कैसे बात बनाना तो है जो जो है गले में जो स्वास्तिक है स्वास्तिक। रिंग फिंगर से बनाते हैं, रिंग फिंगर होते हैं, देखो ये थर्ड फिंगर, ये इसे कहते हैं अर्थ हाँ एलिमेंट, कहाँ इसे कहाँ अर्थ एलिमेंट बनाना से है बोलते मुझे? हैं। जी उसके जी अंदर क्या जी करो, आप पेपर ले लो, एक वाइट कलर का आपने पेपर लिया, और जैसे जी घर के अंदर सिंदूर होता है, हल्दी जी होती है, उनसे करके अपने हाथ से ही आप स्वास्तिक बना लो, अच्छा, उसको लेमिनेट पेपर पे करना बनाना चाहो है मतलब, लेमिनेट कर और लो, उसमें रखना है। प्लास्टिक में रखना चाहो सिग्नल प्लास्टिक में रख लो। जा रहा है बार बार। हाँ ठीक है, पूनम जी। अपने हाथ से ही बनाना है हाँ ना? हाथ से बना, हाथ से। जी। ओके जी, नमस्कार पूनम सर। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपने बताया कि घर के मेन एंट्री पे जूते नहीं रखने हैं, हाँ तो सर जैसे जूते का रैक ही वहीं पे बना हुआ है तो उसका क्या सलूशन है, या अगर वहां से हटा के रखना चाहें तो किस जगह रख सकते हैं? देखो ऐसा है, नॉर्मली घरों के अंदर मेन एंट्री पर ही जूते रखे जाते हैं, है ना। एक होता है जूते फैलाना, भी जूते चप्पल है एंट्री में फैलाए, कोई भी एंट्री करेगा पहले दूसरे के जूते इधर उधर करेगा फिर एंट्री। एक आपने क्या है, साइड में ही शू रैक बना रखा है, तो शूज आए हाँ तो पर्टिकुलर वो वहां पे रख रहा है, तो क्या है साफ सफाई है ना। यदि हाँ आपने शू रैक बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, फैलावट हाँ नहीं होनी मतलब शू रैक चाहिए, है गंदगी जो नहीं कि फैलनी टंगा चाहिए। हुआ है। हाँ हाँ शू रैक हमने दीवार पे हैंग करके रखा हुआ है हाँ ठीक है, और वो पर बंद भी होता है, तो ठीक है नीचे कोई से भी दिक्कत नहीं, सफाई हो जाती, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। ना, कोई दिक्कत नहीं। बस ये जरूर होता है कि यदि वहां पर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए तो गेट के बाहर ही रखो, कि मान लो कोई व्यक्ति बाहर से घूम के आए, अब पैरों में क्या गंदगी लगी नहीं पता, कैसी मिट्टी उसके जूतों में लगी हुई है, तो बाहर से बाहर ही रहे। यदि आप घर के अंदर हाँ भी लाते हो तो मेन गेट पर आपने साइड में रख लिया, तो उसकी सफाई करते रहो 2-3 बार जो है, जैसे भी आपके यहाँ मेड होते हैं कुछ भी होते हैं, भैया मेन एंट्री के हमसे साफ सुथरा ही रहना चाहिए, कि बाहर की एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी है वो किसी भी कारण से हमारे घर के अंदर ना आए। चल संगीता जी। संगीता जी, मीनू दीपक जी। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ जी, हाँ मैंने संगीता आपसे जी बताए पूछना था। हाँ जी। जी, मैंने आपसे पूछना था कि हम बाहर रहते हैं इंडिया के बाहर, तो हम ये स्वास्तिक नहीं लगा सकते, तो इससे कोई और कुछ लगा सकते हैं? नहीं, स्वास्तिक क्यों नहीं लगा सकते, क्या कारण है? क्योंकि आपको पता है कि स्वास्तिक हम जर्मनी ने भी यूज किया था ना, उनका वो सिंबल है, तो जो जैसे अनपढ़ जो लोग आते हैं वो स्वास्तिका देखते हैं तो उनको लगता है कि हम हिटलर को सपोर्ट करते हैं। हमारा जो पोस्टमैन आता है वो बार बार आके पूछता है कि आपने ये क्यों लगाया है, आप क्यों हिटलर को, तो वो ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, लोग अच्छा नहीं तो समझते उसको। फिर आप एक काम करो, यदि ऐसी पोजीशन है हाँ ना, तो आप अंदर की साइड लगा लो,
बाहर की साइड अच्छा तो बाहर वाला व्यक्ति देखेगा, हाँ यदि हम गेट के अंदर की साइड लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर अंदर की साइड, जैसे हम अंदर आए हैं तो हाँ राइट, वो पूरा जो ट्रायंगल है वो अंदर की वो साइड पे चेंज ही हो करें। जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड स्वास्तिक हो जाएगा, राइट हैंड साइड ओम हो जाएगा, और ऊपर कलश हो जाएगा। कलश हो जाएगा तो, और ये कलश हमें पता नहीं वो होता क्या है कलश। कलश का मतलब होता है एक लोटा, सिंपल समझ, लोटा जिसके ऊपर अच्छा नारियल रखा होता है, जो हम घर का शुभ नहीं मानते, तो हाँ 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 आप हाँ हाँ उसको कलश वर्ड लिखेंगे नेट पे, आपको मिलेगा वो। एक ठीक है लोटा है, ठीक है पानी से भरा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर नारियल हमने रखा तो वो बड़ा शुभ माना जाता है, ठीक है ठीक उसकी है। फोटो। अच्छा वो अच्छा तो लेकिन और कुछ हम बाहर लगा सकते हैं दरवाजे के ऊपर क्या? लगा सकते हैं, आप जिस धर्म को मानते हो उनका कोई चिन्ह लगा सकते हैं। किसी का भी जैसे हाँ, जिस ओम, जैसे भी हम धर्म ऊपर को ओम मानते हो, जिस ईष्ट को आप मानते हो, उनका चिन्ह लगाओ। कैसा मतलब कैसा क्या चिन्ह, जैसे जैसे आप मान लो हमारा भगवान ओम शिव को होता है। मानते हो, आप भगवान शिव को मानते हैं तो शिव का साइन क्या है, त्रिशूल। हाँ त्रिशूल ठीक हाँ, हाँ त्रिशूल लगा ठीक सकते हो। उनका साइन है है चंद्रमा, है ना, चंद्रमा भी। हाँ तो चंद्रमा एक लगा सकते एक हो। एक साइन लगा लें ऊपर वो ठीक है ना हाँ, ठीक है फोटो नहीं तो लगानी, उनका हाँ कोई भी सिर्फ साइन लगा, ठीक है। है ना। अच्छा लेकिन एक एक ही लगा, एक बार नहीं, लगाना होता है, एक एक लगा बार लो, लगा दो लें लगा लो, ज्यादा लगा लो, कोई दिक्कत ठीक है। लेकिन अंदर जब हम नहीं। घर के अंदर आते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे स्वास्तिक हाँ, टर्न हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू चलिए। लीना जी, हाँ जी। जयंत भैया जय जिंदे की। हाँ हाँ जी भैया, जी, ये बीरू हमारे जी बताएं। शूज की अलमारी हमें पूर्व पूर्व की दिशा वाला है, हमारे हैं? शूज जो हमारे शूज रखते हैं वो अलमारी पूर्व की दिशा वाला है, कोई वो हाँ, नहीं है, कोई उसका होता नहीं होता कोई नेगेटिव, पूर्व की दिशा वाला रख दे हम अलमारी वहां पे है। पूर्व तो वैसे होती है चढ़ती दिशा, हाँ, हाँ वहां पे रख सकते हैं। खाना नहीं चढ़ाना पूरब से पश्चिम कोई दिक्कत नहीं है, साउथ की तरफ खुलना नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जब भी आप अलमारी को खोलें वो साउथ की तरफ नहीं खुलनी चाहिए, पूरब की तरफ खुले, पश्चिम की तरफ खुले, उत्तर की तरफ खुले, कोई दिक्कत, ठीक है। ठीक है? और हमारे घर से बीमारी नहीं जाती मेरे को, अब जनेऊ होगी, जनेऊ हैं? होगी मेरे को तो बीमारी नहीं जाती हमारे घर से, महीना होगा मेरे को ले बीमार पड़ी को, मुझे आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरे को ना जनेऊ होगी, महीना हो गया बीमार पड़ी है, तो क्या इसका क्या रीजन हो सकता है? यदि साउथ की तरफ खुले तो नहीं वैसे बीमारी नहीं जाती हमारे घर से। हाँ बीमारी नहीं जाती। अच्छा, जी मैंने आपको दिग्वंदना बताई है, एक तो ठीक है ठीक दिग्वंदना करो, उसके साथ साथ में पानी को मंदिर जी में रखो, ओके ठीक है, चार्ज करने के लिए, और उस पानी को अपने भोजन में यूज करो, खाना बनाने में, रोटी बनाने में, पानी पीने में। कोई ठीक भी है ठीक जो व्यक्ति बीमार है उसको जब पानी पिलाओ तो अपना नवकार मंत्र करके उसको पानी पिलाओ, है जी ठीक मतलब एनर्जेटिक वाटर को दो, उससे है बीमारी धीरे धीरे कम होंगी और फिर खत्म हो जाएंगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। ठीक है। और दिग्वंदन दिग्वंदना जरूर करो, कैसे क्या दिग्वंदना समझी जो नहीं मैंने मैं, आपको बताई है, अभी पहले पूर्व की तरफ फेस करके, घर के सेंटर में खड़े होकर पूर्व की तरफ फेस करके 3 बार नवकार मंत्र पढ़ो, ठीक है फिर जी दक्षिण की तरफ फेस करके नवकार मंत्र पढ़ो, फिर ठीक सीधे हाथ पे घूमो पश्चिम की तरफ, फिर उत्तर की तरफ, ठीक ऐसे करके चारों दिशाओं होगी, फिर आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, फिर ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखो और नीचे जमीन की तरफ देखो, ऐसे 6 दिशाएं हैं, तो ठीक छह दिशाओं के अंदर 3-3 बार नवकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है आपके घर ठीक के अंदर एनर्जी अच्छी बनेगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। थैंक यू जी। ओके जी, लीना जी हाँ जी जय श्री कृष्णा सर। जी बताएं, वीडियो ऑन करने सर है पर। ना एक मेरी ये क्वेरी थी कि जो आपके 7 डे वाला कोर्स है ना उसमें मैं हूँ, पर है ना मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं 5 डे को है ना मतलब सुबह नहीं कर पाई थी, पर वो शायद लिंक नहीं आया मेरे पास, तो 5 डे वाला मेरा छूट गया है,
उस दिन क्या करना होता है सर? आप एक नंबर नोट करो, 999 333 806। एक मिनट। ट्रिपल जीरो नाइन 333 ट्रिपल थ्री 806। 806। हाँ, तो ये क्या है, ये हमारी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, आप यहाँ पे बात कर लो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर। अच्छा, और सर आज वाली रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, मैंने अभी हाँ, ज्वाइन किया है आएगी तो। आएगी, एक दो दिन में आ जाएगी। जी सर, धन्यवाद सर। पुखराज जी, जी पुखराज जी, अमोल जी, प्रीति जी, कृष्णा सर, जैसे हाँ जी बताएं। आपने बताया ना भगवान जी की फोटो नहीं लगा सकते, तो जैसे हाँ, भगवान लीलाओं की फोटो है, गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, वो भी नहीं लगा सकते? देखो, मेन गेट पे क्यों लगाते हो फोटो? नहीं, मेन गेट पे नहीं, जैसे हम हाँ अपने ड्राइंग रूम में या लॉबी में लगा लगा सकें, अच्छा, डाइनिंग वहां पे, हाँ वो लगा सकते हो, में, मतलब वो लीलाओं लगा वाली सकते, फोटो, हाँ लीलाओं वाली फोटो नहीं, वो लगा सिंगल सकते, फोटो नहीं लगानी है। सिंगल फोटो है ना। ठीक, थैंक यू सर। मौली कर्माकर जी, ट्रिपल सर एक मिनट, मुझे नंबर पीछे वाले वापस रिपीट होंगे। ट्रिपल, नाइन जीरो हाँ ट्रिपल ट्रिपल थ्री थ्री, हाँ हाँ 806। अच्छा, धन्यवाद सर। ओके जी, हेलो दत्तारे जी, हेलो सर, एक मिनट, मौली जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, घर में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता हो तो उसके लिए हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं? आपका स्वर विज्ञान का कोर्स तो कर रहे हैं। देखिए, यदि घर में कोई भी बीमार है तो उसको बेस्ट है कि उनको एनर्जेटिक आपको खाना पीना देना चाहिए। अब एनर्जेटिक से मतलब क्या है कि अपने घर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, सबसे पहले वहां पानी रखो। जब आप सब जाप कर लें, पूजा कर लें, उसी पानी को उस व्यक्ति को पिलाओ। उस पानी को जो बचा उसको खाने में यूज करो, आटे को गूंदना है, सब्जी बनानी है, उसके अंदर यूज करो, है ना, क्योंकि वहां पे पानी के अंदर एनर्जी आ चुकी है, उसी से खाना बनाया और उसी खाने को पिलाओ। दूसरा, जब भी व्यक्ति खाना या कुछ भी खाए तो उनसे कहो कि पहले अपना मूल मंत्र पढ़े, जो हमारे हाथ में होता है, जैसे मान लो मेडिसिन हाथ में है, पानी है, खाना जो भी है, सबसे पहले मूल मंत्र पढ़े। मूल मंत्र से क्या होगा, जो भी वहां पर नेगेटिव एनर्जी है वो फिल्टर हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, और उस पॉजिटिविटी के साथ में ही हमें उसको लेना है, तो बॉडी के लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। सर मूल मंत्र प्लस कहाँ मिलेगा? हैं, मूल मंत्र कैसे पता चलेगा किसको कौन सा जाप करना है? हिंदू आप कौन से धर्म को मानते हो? सर। हिंदू। तो मूल मंत्र आप, इसमें आप कौन सी जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र? ओम नमः शिवाय भी करते सर, गायत्री मंत्र भी करते। ये भी कर सकते हो। नहीं तो एक मंत्र आता है, महामंत्र, नवकार मंत्र जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हम सबको नमस्कार करते हैं। उसका पांच पद होते हैं, जैसे होता है नमो अरिहंताणम, कि इस संसार में जितने भी अरिहंत हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धानम, संसार में जितने भी सिद्ध हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, संसार में जितने भी आचार्य गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। नमो उवध्यायणम, संसार में जितने भी उपाध्याय हैं उनको मेरा नमस्कार हो। नमो लोए सवे सावणम, संसार में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जब ऐसे आप पांच पद पढ़ते हैं तो आप जब किसी को नमस्कार करते हैं तो आपके आस पास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव होने शुरू हो जाए। जैसे यदि आपका कोई, मान लो कोई व्यक्ति है जो आपसे नाराज है, हेलो अब आप उसके पास हेलो, बार बार जा रहे हो और जब भी उसके आगे से निकले आप उसको नमस्कार कर दिया, तो क्या है, एक दो दिन तो बैठेगा और पांचवे छठे दिन क्या होगा, वो आपके नमस्कार का जवाब जरूर देगा, और जैसे ही उसने जवाब दिया इसका मतलब आपके फेवर में आ गया। तो ये नमस्कार मंत्र होता साथ है। अब ये आप डालोगे नेट पे कि नवकार मंत्र, नमस्कार मंत्र,
या आपके 5 पद आ जाएंगे, नहीं है तो हमारे ग्रुप में डाल देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ ओके सर, मतलब, थैंक यू। है ना। तो ये आप हेलो, करो, और इसमें जो हाँ पेशेंट है वो भी कर सकता है, यदि वो नहीं कर सकता तो आप लोग भी उसको खाना देते हुए पढ़ के दे हेलो, सकते हो। जय जिनेंद्र हाँ जी सर जी राज जी, जय जी, जय जिनेंद्र सर, जिनेंद्र की वीडियो ऑन करें सर सर जी, सर जाना जी। था सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, सर 5-6 साल हो गए मुझे यहाँ शॉप करते हुए, और मैं 3-4 लाख रुपए का माल भर रखा है सर शॉप में, लेकिन मेरी 15-15 दिन सर बिक्री भी नहीं होती है। 4 महीने से तो ये पोजीशन है कि 4 महीने में 4,000 की बिक्री नहीं करी होगी सर। ओके, इसके लिए सबसे एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो करके देखो कि जो भी आपने सामान लगा रखा है, जिस स्थान पे लगा रखा है, जी उनकी सर, जगहें सबकी चेंज कर दो। सारी सर आइटम ये थोड़ा सब छोटे आइटम और सारे पूरी दुकान भैया का आइटम चेंज करें। थोड़ा चेंज करो, जी मतलब सर, जैसे सामने आपने कोई सामान लगा रखा है, तीन दुकान चार जी खाने खाली करो, एक खाने का सर, दूसरे में, दूसरे का पहले में, ऐसे करके इंटरचेंज करो। ऐसा जी होता सर, है, सर कहीं पर एनर्जी जाम हो जाती है, उस एनर्जी को हिलाना होता है, सामान निकालो, उसकी सफाई करो, जगह साफ करो, और दूसरी जगह पे उसको रखो, दूसरे का पहले पे, मतलब आपस में जगहें चेंज करो, ठीक है। जी सर, और उसके साथ में एक स्वास्तिक बनाओ थोड़ा बड़ा, कि कस्टमर आए तो उसकी निगाह स्वास्तिक पे पड़े। जी सर, वो कागज पे ही बिल्कुल बनाना है, है, हाँ, कागज पे ही बनाना है सर, कागज पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कितना कागज एक पे फिट में बनाओ। और जी इस जो ये होती है रिंग फिंगर, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, उस उंगली से बनाना है। कोशिश करो घर के अंदर जो आपकी वाइफ है, बेटी है, उनसे सर, बनवाओ, बहू है, मैं जी सर सिंगल हूँ मैं, सिंगल हो तो आप अपने हाथ से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हल्दी से, रोली से, सिंदूर से, हाँ, उसके अंदर आप रोली से बनाओगे, रोली रोली जी सर, है ना, उससे बनाओ और कागज पे बना के, और वो कागज को सामने ऐसे लगाओ कि कस्टमर आके उसको देखे, स्वास्थ्य को देखे। जी उसके सर, साथ साथ में दुकान की सफाई रखो, स्वच्छता रखो, और जो माल इधर उधर फैला हुआ है उसको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करो। कई जी सर, बार एनर्जी जाम हो जाती है, उसको हिलानी है, तो हिलाने का तरीका है, ठीक जी सर, है, ये करो, हो जाएगा। ओके, ओके जी, अमोल जी। हाँ सर, हेलो, जी अमोल जी, हाँ सर, दिगवंदना का कैसे करते हैं? मतलब मैं अभी 1 हफ्ते से जुड़ा हूँ आपसे। दिगवंदना जी होती है कि सर, आप घर के सेंटर में खड़े हो गए, आपको सेंटर मिल जाएगा। सेंटर में खड़े होने के बाद ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर लो, और वहां पे अपने जो ईस्ट भगवान है उनका जो भी मूल मंत्र है उसको 3 बार पढ़ो। पहले आपने सामने खड़े होकर ईस्ट की तरफ फेस किया, तो राइट टर्न करो, तो ईस्ट के राइट टर्न में क्या होगा, साउथ आएगा, साउथ में पढ़ा, फिर चेंज करा तो पीछे हो गया, यानी कि वेस्ट, वेस्ट के बाद फिर चेंज करा नॉर्थ, ऐसे तीन तीन बार पढ़ के 4 बार हो गया, फिर पांचवी बार ईस्ट की तरफ फेस कर लिया, फिर अब आसमान की तरफ देखो, 3 बार पढ़ो, फिर ओके, जमीन की तरफ देखो। तो ऐसे 6 डायरेक्शन में आप उनका मंत्र पढ़ें, इसे कहते हैं दिगवंदना, यानी कि दिशाओं को नमस्कार करना, कि पर दिशाओं के जो जो सर भी मंत्र ईस्ट क्या पढ़ना है विराजमान है मतलब? सबको नमस्कार। ओके हाँ? ओके सर, अपना अगला क्लास कब से शुरू हो रहा है? मुझे बेसिक का कोर्स करना था। बेसिक का आपका स्टार्ट होगा आपका अब सितंबर में, ओके 21-22 सितंबर में होगा। आप ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे एक प्रॉब्लम भी थी सर, मेरा ज्यादातर सूर्य स्वर ही चलता है ज्यादातर, और उससे मुझे गैस्ट्रिक की और पेट में ज्यादा गर्मी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है उसके अंदर पिछले क्या 6 महीने करो, से।
आप ही करते, पूरक कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब है सांस को लेना, कुंभक का मतलब होता है रोकना, रेचक का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, हाँ तो इसकी हाँ प्रैक्टिस करो। और कैसे शुरू ओके करनी है, पहले हाँ आपको राइट बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना है, रोकना हाँ है और राइट से छोड़ना है। ठीक ओके है, राइट से छोड़ हाँ लिया, अब राइट से हाँ ही लेना है, रोकना है, हाँ लेफ्ट से छोड़ना है। ये हो गया एक साइकिल, एक हाँ चक्कर हो गया ये, है ना। तो ओके ओके ऐसे कम से कम 9 चक्कर आपको काटने हैं, यानी कि 9 बार आपको श्वासोश्वास की प्रैक्टिस करनी है डेली। जब आपकी 9 बार हो और जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, आपका जो ये हाँ स्वर है बैलेंस हो जाएगा। ओके ओके कितने सेकंड तक करना पड़ेगा यार? जितना आप कर सको, वैसे तो नॉर्मली 5 सेकंड खींचते हैं, इनहेल करते हैं, हाँ 5 सेकंड है हाँ ना, और फाइव हाँ टू 8 सेकंड उसको होल्ड करो, 10 सेकंड तक होल्ड ओके करो, और हाँ 8 सेकंड के लिए उसको एक्सहेल करो। ओके मतलब यानी कि 5, 10 और 8 ऐसे होएगा। और उससे बैलेंस हो जाएगा। हाँ, उससे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ओके सर चलो सर थैंक यू सर। दत्ता सर मुझे जी, एक बात, हो गया आपका नाम? हाँ दत्तात्रेय परदेशी जी। आ रही आवाज सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर ये पूछने का था, जिस घर में वास्तु बैलेंस नहीं हो सकता तो उस घर में फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? दोबारा बताओ। अगर जो अभी कैसा है, मेरे घर मतलब 2 रूम का है, एक किचन और हाँ हॉल का, तो हाँ उस घर में वास्तु बैलेंस नहीं कर सकता तो फिर उस घर में नेगेटिव एनर्जी तो रहेंगी ना, तो फिर नहीं, क्यों उसको रहेगी? पॉजिटिव में। नहीं, क्यों रहेगी? मैंने आपको बताया ना, पूरा इस वेबिनार को सुनना है, वीडियो आएगी, पूरा सुनना। हमने अपने गेट को नहीं एनर्जाइज किया, अपने गेट के हाँ बाद स्वास्तिक लगाया, ओम लगाया, ऊपर कलश लगाया, गेट एनर्जाइज हाँ हो गया। ठीक है, आपका यदि एक रूम है या 2 रूम है, आप रूम के सेंटर में खड़े होकर दिग्वंदना करो, आपकी एनर्जी सारी बैलेंस होने से हो जाएगी। ये अपने आप वास्तु ठीक हो रही है। वास्तु का मतलब होता है, यदि वास्तु खराब है तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अब हमने दूसरे बराबर तरीके से उसको पॉजिटिव कर लिया, ओके 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 बस। तो पॉजिटिव, इसको वेबिनार को 2-3 बार सुनना, आपको नई नई चीजें पता चलेंगी, करो उनको आराम से, हो जाएगा ठीक। मुझे एग्जैक्टली मैंने लेट ज्वाइन किया, 4 साढ़े 4 बजे ज्वाइन किया था, अच्छा इसलिए अच्छा मुझे वो कोई बात बात नहीं, लेट। अभी आप सुनोगे ना, आपका 4:30 तक का ही मेन है, आधे घंटे में हाँ सारी चीजें आई थी, तो आप उनको सुनना और फिर इम्प्लीमेंट करना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो सैटरडे को वेबिनार होगा तो आप पूछ लेना। चलेगा चलेगा सर। ग्रुप के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही मुझे, मतलब जो अभी क्लास हुए ना अपने, वो तो वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, तो फिर उसके ग्रुप लिए के कैसे अंदर नहीं करूँ? आती है, इसके अंदर जो हमारा चैनल है लोक ज्ञान बाई डॉक्टर प्रदीप जैन, उसको सब्सक्राइब कर लो, है ना। ओके उसमें क्या है, जैसी कोई वीडियो आएगी आपके पास पहले आ जाएगी। मैंने फॉलो किया है, मतलब यूट्यूब चैनल के आपके, हाँ, उसके बाद भी नहीं मिल रही आपको, नहीं मिल रहे ना, मैंने कोई बात सर्च किया नहीं। उसके। आप, मैंने आपको एक नंबर बताया है, उसके ऊपर लिख हाँ के भेजना कि मुझे यूट्यूब की डिटेल दे दो, वो आपको पहुंच जाएगी। ठीक है चलिए 999-333-8-06, या जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हो उसमें लिख के भेज देना, आपके पास आ। ठीक ठीक है सर थैंक। प्रीति जी। सर अब हाँ जी, सर 7 डेज का भी लिंक नहीं आती है ना? हैं? 7 डेज का अभी पूरा हो गया ना, तो हाँ आप लिंक नहीं ना अभी भेजते? हाँ नहीं, 7 डेज यदि पूरा हो गया तो कोई लिंक नहीं आएगा, आप उसी की प्रैक्टिस करो, हाँ आपको उसके अंदर लिंक दे हाँ रखी है, ठीक, हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ उनकी रिपीट करो। हाँ, चलो शिशु सर मिश्रा जी। सर हाँ जी, सर जो ज्यादा डिवोशन करता है, स्पिरिचुअल ज्यादा होता है, उसकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा चलती है, हाँ और बोलते हैं कि जिसके सुषुम्ना ज्यादा चलती है उसके काम नहीं बनते हैं, सर काम नहीं बनते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, जब आप स्पिरिचुअल हो गए तो काम बनने से क्या मतलब है आपको? काम किस टाइप के? हम मतलब जैसे कुछ भी काम अटक जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं नहीं बाहर नहीं के ऐसा काम ऐसा भी। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये मिथ है ये। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो दिग्वंदना अपने को याद ना हो, हाँ नवकार मंत्र जो है पढ़ सारे लो, आप पूरा, तो कागज पे रख लो ना, कागज पे लिख के कर लो, पढ़ लो। सर जैसे मैं मोबाइल लेके करती हूँ तो वैसे ही कर सकती हूँ ना? हाँ कर सकते हो आप, मोबाइल पे कर लो। भई आंगन के बीच में अपने खड़े हो जाओ और
हाँ उसको पढ़ते रहो चारों बिल्कुल तरफ बिल्कुल बिल्कुल, सौ दिशाओं में। बस मेन बात होती है कि जब आप पढ़ रहे हैं, एक तो होता पढ़ना, एक होता दिल से पढ़ना। आप खाली पढ़ नहीं रहे, उसको अंदर से निकालो, इंटरनल साउंड से भाव बनाओ, मतलब पढ़ते हुए। आपने खाली पढ़ा तो एक तरह की आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पढ़ लिया हो गया काम, नहीं, भाव बनाने उसके साथ। भावों के साथ पढ़ोगे तो उसका इफेक्ट, जितने भाव के साथ पढ़ोगे उतना इफेक्ट जल्दी आएगा, जी सर, थैंक है ना। चलो यू सर। ओके जी, सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, मेरे पितृ देवों को नमन, मेरे आसपास जो भी एनर्जीज हैं, मेरे घर के आसपास, मेरे परिवार वालों के आसपास, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, जहां पर मैं जिनके साथ भी काम करता हूं, वहां पर जो भी एनर्जीज हैं, उन सबको मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, जय दुलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, चार गति, 84 लाख योनियों में हूं, भूतकाल के हूं, वर्तमान काल के हूं, सभी को मेरा जय दिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, जो जो गलती, जो जो पाप, जो जो त्रुटियां हुई हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। ओम शांति। और सभी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आपका दिन रात्रि बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र देव की।